मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की रीट की क्लास में। और आज सी टेट 2019 का पेपर लिया है एसएस का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। यदि आप इसके अनुसार 20 से अधिक क्वेश्चन कर पाते हैं तो रीट में तो किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश करें, उसके बाद में ऑप्शन देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्रह्मशोथ पर्वत है? हिमालय, प्लेशियन, यूराल, वास्जेस। ब्रह्मशोथ पर्वत जो भ्रंश के बीच में से उठे होते हैं उनको कहा जाता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो इसका जो सही विकल्प है, ब्रह्मशोथ पर्वत इनमें से कौन सा है, वास्जेस पर्वत है, वो ब्रह्मशोथ पर्वत है, वास्जेस पर्वत जर्मनी का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, कथन ए। कथन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। तो आपको देखना है कि कथन एक और कथन दो में से जो है कौन से सही हैं और कौन सा व्याख्या करता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक राउंड पूरा भी कर लेता है। तो ये आपके विकल्प हैं, और इसमें विकल्प एक जो है वो बिल्कुल सही है कि चक्कर भी लगा लेता है और अपने अक्ष पे भी घूम लेता है। कायांतरित सेल के बारे में ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए बी सी तीन कथन हैं। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। संगमरमर एक कायांतरित शैल है, और इसका सही विकल्प है कि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात है सी टेट में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुयान के किस परत में आने पर जल जाते हैं? वायुमंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, क्षमताप मंडल। और इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, मध्यमंडल में। उसके बाद में ऋतु प्रवास माइग्रेशन जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, घरों की आसपास बसावट से, एक छोटे से घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, ऋतु के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। स्थाई पवनों के संदर्भ में ए और बी पर विचार करना है। ये पवने वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, पश्चिम तथा पूर्वी पवने इनका उदाहरण है। इनमें सही और गलत पे विचार करना अपने को, सही विकल्प हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर तीन। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन हो जाएगा आपका तीन, उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं ये। उसके बाद में जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पे डिपेंड करती है। तो दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन भी नहीं है और केवल ऊंचाई पे भी डिपेंड नहीं करती है, तो दोनों ही कथन गलत हो गए। ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोतों की पहचान करें। यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। जब ऊर्जा निर्मुक्त होती है तब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो पहचान हो गई होगी आपको कि पेट्रोलियम की बात हो रही है। भारत का शोध संस्थान मैत्रेयी
कहाँ स्थित है? तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, पहले गंगोत्री फिर मैत्रेयी, सब अंटार्कटिका में मिशन है भारत के। उसके बाद में कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, चारों विकल्प पढ़िए। तो सबसे लास्ट का विकल्प है बिल्कुल सटीक है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, अधात्विक भी होते हैं खनिज, धात्विक भी होते हैं। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिलान करना है अपने को, जैसे नर्मदा घाटी, बज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो जो चीज़ अपने को कन्फर्म ध्यान है सबसे पहले हम उसको ऑप्शन को चुनेंगे, जैसे बज्जी जो है प्रारंभिक गणतंत्र, ये बिल्कुल कन्फर्म हमें को पता है। तो इस तरह से हम इनका मिलान कर लेंगे और इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से अपन मिला सकते हैं कि किस में क्या आएगा। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के रूप में है। कथन ए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। फिर दूसरा कहता है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो ये कक्षा 8 से लिया गया है ये कथन दोनों ही, और पहला ही अध्याय है ये। तो इस पे आपको सही ऑप्शन आपको देना है और इसका ऑप्शन आ जाएगा सही 4। ए गलत है किंतु बी सही है। नीचे दो कथन 19वीं सदी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों के ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो दोनों कथन आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको सही ऑप्शन देना है और इसका सही ऑप्शन है 2, कि दोनों कथन सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? कांगड़ा चित्रकला, गिरनार अभिलेख, पादशाह नामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की चित्र शैल्य चित्रकला। तो ये बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में जो गुफाओं में चित्र मिले हैं वो आरंभिक मानवों पर आधारित है। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। 4 ऑप्शन आपके सामने और इसमें से ऑप्शन नंबर 3, साल भर फसल कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे। उसके बाद में नीचे दो कथन ए और बी, 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसमें आपको विकल्प दिए हुए हैं और सही विकल्प का आपको चुनाव करना है और इसमें ऑप्शन आ जाएगा 4। BCE से क्या अभिप्राय है? BCE हमें जो AD और BCE ऐतिहासिक सन के साथ लगा हुआ मिलता है, तो BCE से अभिप्राय होता है बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व जिसे हम बोलते हैं। आज हम कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुर्ग मुर्ग होते थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने और इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2, महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से तो शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं।
हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? चार विकल्प हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। और इसमें ऑप्शन आ जाएगा टू। उसके बाद में महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या परिवर्तन हुए वो आपको देखने हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन था बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लग गई। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और शमेकन के संदर्भ में क्या सही है ये अपने को बताना है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें टू। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगले वालों को पहली बार बैठा गया। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से क्या गलत है? ऑप्शन है आपके सामने और अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा, ये गलत है, लिखित दस्तावेज नहीं मिलते हैं इनके। उसके बाद में 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपना नियंत्रण समेकित किया? चार ऑप्शन हैं आपके सामने और इनमें से राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। और पहला ही विकल्प सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को बेहतर ढंग से कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद में प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता ये अपने को बताना है। और इसमें चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है इसमें तीसरा, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता अपने उम्मीदवार चुन के भेजती है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा एक, लद्दाख। भारत में अपील प्रणाली या पौर्णवादिक प्रणाली किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शन आ जाएगा चार, कि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील। प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, क्या लक्षण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने कि पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। निम्न में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है ये अपने को देखना है। 59 में अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सीधा दिख रहा अपने को दो का ऑप्शन कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भारत के दक्षिणी भागों में सर्द ऋतु में वर्षा होती है, इसका कारण पूछा है हमसे, तो इसका कारण पवने लोड करके और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। उसके बाद में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम, इसमें ऑप्शन हो जाएगा तीन, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। विशाखा निर्देशन में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कहाँ पर? तो कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के संदर्भ में विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी। भारत में एक राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो केंद्र सरकार करती है। उसके बाद में कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा नगर निगम वार्ड काउंसलर। उसके बाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश किससे संबंधित हैं? तो ये ऑप्शन जो है आपका होगा चार, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस की प्रक्रिया। उसके बाद में वन अधिकार कानून 2006 कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है? तो इसमें आ जाएगा अनुसूचित जनजातियां।
द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? हमारे अतीत, एनसीईआरटी इतिहास की पुस्तक, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। दोनों कथन आपने अच्छे से पढ़ लिए। अब इसमें आपको चार विकल्प दिए हैं और इसमें सही आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? चारों विकल्प आपके सामने हैं और इसमें विकल्प हो जाएगा दो का। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें विकल्प हो जाएगा चार का। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्यों? इसमें विकल्प हो जाएगा ए। उसके बाद में मतलब ए बी सी तीनों राइट ऑप्शन है। उसके बाद में कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इसमें हमें विचार करना है और इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा कि केवल ए। इसके बाद में शिक्षार्थियों के जीवन के अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही विकल्प का चयन करना है। तीन विकल्प दिए हैं आपको और इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए और सी, सही है। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तीन ऑप्शन हैं और इनमें ए बी सी डी में से आपको चयन करना है और इसमें एक सही है। उसके बाद में दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? चार विकल्प हैं आपके सामने और इसमें जो ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा तीन का। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए बी और डी, सही है। उसके बाद में अन्वेषण को रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है वो किस रूप में देखेगा? 77 और इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका दो, फिर 78। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए कौन सहायक हो सकता है? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका दो। उसके बाद में विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका तीन। विविधता दर्शाने वाले उदाहरणों का चयन करें, इसमें ऑप्शन हो जाएगा चार। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शैक्षणिक प्रबंधन में जीरो, बामडीला, नाम दफा ये सब को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? ट्यूशन पढ़ लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे तीन। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें दो।
जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3। उसके बाद में कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये आपने पढ़ लिए। उसके बाद में इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इतिहास शिक्षण शास्त्री प्रयास करेगा कि, ऑप्शन आपने पढ़ लिए, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2। उसके बाद में प्रदूषण रहित वायु हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया है? जीवन। इसके बाद में भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का प्रयोग किसने किया था? इसमें हो जाएगा नेहरू। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 2। 2006 में नेपाल सरकार में भारत का रूप सरकार का रूप राजतंत्र से बदल करके क्या हो गया? ये हो गया लोकतंत्र। तो ये था हमारा आज का SST का वीडियो।